तो तुनिशा के परिवार की तरफ से शिजान खान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन तुनिशा और शिजान दोनों को जानने वाले इन आरोपों से हैरान हैं। हालांकि केस में पुलिस में होने की वजह से वो खुलकर कुछ कहने से बच रहे हैं। अभी 10-12 दिन पहले ही तुनिशा की मम्मी ने जीशान को समझाया भी था कि जो भी है जो भी था पहले इतना ज्यादा क्लोज आने के बाद अब एकदम से बोलोगे कि ब्रेकअप हो गया तो नहीं कोई समझता है। और दोनों रोज सेट पे शूट करते थे, दोनों को डेली आमने सामने भी आना होता था। तो अब क्या सेट उस दिन क्या हुआ, कल क्या हुआ, क्या पता नहीं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तभी पता चलेगा। एंजाइटी का अटैक उन्हें अभी 10 दिन पहले ही आया था, जिसमें कि वो भी इसी स्ट्रेस की वजह से आया था। आप मानते हैं कि इसमें उनकी मौत के पीछे सुजैन जिम्मेदार है? जी, उसकी मॉम ने जो उसके ऊपर आरोप लगाए हैं शिजान पे, सो दैट इज़ अंडर द इन्वेस्टिगेशन। आई हैव रियली नो आइडिया अबाउट इट, उन्होंने क्या बोला है और क्यों बोला है। आई थिंक ये मैटर पुलिस का है एंड वी आर टू मच आउटसाइडर फॉर इट टू कमेंट ऑन इट। बट मैं जितना कहना चाहूँगा कि हम लोग सब लोग का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था, सब लोग सेट पे इट वॉज नथिंग लाइक दैट। पारस दावा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं। पारस, देखिए तुनिशा की ये मौत का मामला, अब लव जिहाद से जुड़ना, उस पर एसआईटी की जांच बैठाना और पूरे मामले में जिस तरीके का शिजान का रोल रहा है, 4 दिन की कस्टडी क्या काफी होगी? नेहा, बहुत पेचीदा मामला है। इस मामले की पेचीदगी तो देखते हुए 4 दिन की रिमांड जो है वो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन 4 दिनों में वैसे पुलिस हर उस एंगल को खंगालने की कोशिश करेगी जिसके चीजें जो है वो बताई जा रही हैं, जिसकी जो है कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में ये इस तरीके के जो केसेस होते हैं बहुत पेचीदा होते हैं और हर एक चीजों का जानकारी लाना और महत्वपूर्ण जानकारी लाना बेहद जरूरी होता है। हर एक एंगल को बहुत ही बारीकी से उसका अध्ययन करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में कल जब माननीय वसई कोर्ट के पास वसई पुलिस पहुंची थी तो वहीं यही दलील रखी गई थी कि इस मामले को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है, उन लोगों को बुलाया जाना जरूरी है, लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना जरूरी है जो उनके साथ काम करते थे। जिस सेट पे दोनों काम किया करते थे, बड़ा सेट है, वहां पे 50-60 लोग अक्सर काम करते हैं, स्पोर्ट्स बॉय होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, एक्टर्स होते हैं, को एक्टर्स, बाकी बहुत सारी बड़ी यूनिट होती है। ऐसे में इस तरीके का मामला जब सामने आता है, हर किसी के पास अपनी अलग कहानी होती है बताने के लिए, अलग किस्से होते हैं बताने के लिए, तो ऐसे में 4 दिन की रिमांड बेहद महत्वपूर्ण होगी। और इस 4 दिन पारस और मामला इससे भी पेचीदा हो जाता है जब पुलिस में मामला चला जाता है, ज्यादातर लोग कुछ भी कहने से बचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पारस, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।